हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आइए चलते बनाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 6-7 ब्रेड। अब इसको कट करेंगे। कटोरी की सहायता से इस तरीके से ब्रेड को कट कर लेंगे और जो साइडों का बच जाएगा ब्रेड उसको ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद में यूज कर लेंगे उसको। ये देखिए, इस तरीके से हम सारी ब्रेड को काट लेंगे। बेसन ले लिया है मैंने, आवश्यकता अनुसार इसमें अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसको घोल बना लेंगे गाढ़ा सा। हल्दी भी डालेंगे इसमें, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसमें। बेसन का घोल हमारा तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। इसमें धनिया डाल देंगे क्रश करके और जीरा डालेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तड़का हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें कद्दूकस किए उबले आलू डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा अमचूर पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। थोड़ा ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हमारी तैयार है। अब इसको ठंडा कर लेंगे एक प्लेट में निकाल के। गैस को बंद कर दिया। सबसे लास्ट में थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे इसको। फिलिंग हमारी तैयार है। आलू हमारा ठंडा हो चुका है। एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे, इस पर टमाटो का केचप डाल देंगे, अच्छे से लगा देंगे इसको। एक ब्रेड पे मैंने केचप लगा लिया है। अब इसमें आलू की फिलिंग फैला देंगे इस तरीके से। ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है, पतला पतला फैलाएंगे इस पर। तरीके से सारे ब्रेड पे लगा लेंगे। एक ब्रेड की स्लाइस उठाएंगे और आलू वाली साइड से इस तरीके से डुबाएंगे इसको। हल्के हाथों से इस तरीके से पकड़ के इसको डुबा लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से उठाएंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म कर रखा था मैंने। ये देखिए, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने, उसी कढ़ाई में जिसमें आलू बनाए थे मैंने। अब इसी में धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे इसको। एक साइड से हल्का सिक चुका है, इसको पलट देंगे। मैं थोड़ी इस जगह बाकी थी तो मैंने दूसरा भी इसमें डाल दिया है। ये देखिए, नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तरीके से सारे नाश्ते को तल लेंगे हम। ये देखिए, मैंने सारे नाश्ते को फ्राई कर लिया है। एक काट के दिखाती हूँ आपको। हमारा नाश्ता बहुत ही बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करके देखिए। घर में बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को फुल वॉच करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।